हेलो दोस्तों, मैं हूं रिया। इमाम दस्ता चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के भागदौड़ वाले माहौल में सिरदर्द एक आम समस्या बन गई है। जब भी किसी को सिरदर्द होता है, वे उसे सामान्य समझकर दवाइयां लेकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर का एक प्रमुख लक्षण भी है। चलिए जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के और भी लक्षणों के बारे में। ब्रेन ट्यूमर में दिमाग का कोई एक सेल या कई सारे सेल्स अबनॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं। ये दो तरह का होता है, एक कैंसर वाला और एक बिना कैंसर वाला। कई बार ये जेनेटिकल रीजंस की वजह से भी होता है और केमिकल या रेडिएशन के वजह से भी होता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका रिस्क भी बढ़ सकता है। कई बार पता नहीं चलता कि हमें ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लक्षणों के बारे में। परंतु इस वीडियो का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अंत तक देखेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह के वीडियोस के बारे में अपडेट करते रहें। सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा लक्षण होता है। ये दर्द ज्यादातर सुबह के समय होता है और बाद में लगातार होने लगता है, और वो भी बहुत तेज। यदि ऐसा लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से तुरंत टेस्ट कराएं। उल्टी भी सिरदर्द की तरह सुबह के समय होता है। ये तब भी बढ़ सकता है अगर आप अपनी जगह से अचानक उठेंगे तो, जैसे बैठे या लेटे रहने के बाद अचानक से खड़े हो जाना। जब किसी को हॉस्पिटल एरिया के आसपास ट्यूमर होता है तो उसे धुंधला दिखाई देता है, साथ ही रंगों और चीज़ों को पहचानने में भी परेशानी होती है। जब किसी दिमाग के पैराइटल लोब पर ट्यूमर होता है तो उसे अपनी बाजुओं और टांगों पर कम सेंसेशन लगता है, क्योंकि ट्यूमर से सेल्स पर असर पड़ता है। जब किसी को ट्यूमर होता है तो उसके शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि अगर सेरिबेलम एरिया में ट्यूमर होता है तो मूवमेंट पर भी प्रभावित पड़ता है। सुस्त लगना भी ब्रेन ट्यूमर का एक लक्षण होता है। ये तब होता है जब आपके ब्रेन में दबाव बढ़ जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपको ज़्यादा नींद तो नहीं आ रही, या कहीं आप नियमित समय से पहले तो नहीं सो रहे। ब्रेन ट्यूमर का असर आपकी पर्सनालिटी और माइंड पर भी पड़ सकता है। शरीर की एक भाग में कमजोरी, सूंघने की शक्ति कम होना या बोलने में परेशानी भी हो सकती है। जिन लोगों के दिमाग के टेम्परल लोब में ट्यूमर होता है, उनकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। कभी कभी तो पूरी तरह से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। इसी के साथ ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों पर बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और भी देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल इमाम दस्ता को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारियों को पास ना आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।